बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार आरोपी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। उसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदू मलकोट बॉर्डर फेंसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उससे पूछताछ की, वह सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 11 इंच का धारदार चाकू, धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। वह उत्तरी पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने बताया कि नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया। साजिश को अंजाम देने से पहले वह अजमेर शरीफ जाने वाला था। देखिए, दिनांक 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको BSF के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदू मलकोट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। आज शाम को ज्वाइंट इंटरोगेशन कंक्लूड हुआ है। GIC से जो अभी जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ, सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुठियाल शेखा, पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, दो चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया। मोटिवेट करने वाले कौन लोग? देखिए, वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, थोड़ा डिटेल्स है वो भी बाद में आएंगे। प्राइमरी अभी इतना ही पता चला। अभी रिमांड पे है? हाँ बिल्कुल, रिमांड पे ही है। नहीं, अभी तो ये 5 दिन के रिमांड पर है। वो रिमांड पूरा होगा और एक्सटेंड कराएंगे ताकि और डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।